सारे भाई राम राम भाई, आप सबका स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। आज अपना कंबाइन का तीसरा दिन है, दो दिन की पहले जो बनाई थी जो वीडियो थी, तो अपना दिखा भाई कैसे यहाँ पर खेत होते हैं। देखो चारों ओर जो अपना पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इधर जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और जंगल है जो चारों ओर तार लगा रखी है। और आप खेत देखो भी यहाँ से चारों ओर के नीचे ये खेत है, गेहूँ पका हुआ है और ये पहरेदार बैठा रखे ना जो नील गाय से जानवरों से बचाने के लिए। और ये देखो इस साइड बाकी चारों ओर पहाड़ है, ये बीच में ही खेत है बस। और ये 15 बीघे करीब ये खेत है जो ये सारा मिला के, और वो ऊपर वाला था अब की बार जो हाथ के साथ कटाई हो गई है। पानी कहाँ से लगाते हो यहाँ पर इतनी ऊंची तुम? पानी वो दरिया से? हाँ तालाब से। हाँ वो नीचे तालाब के नीचे से। और जब ये गेहूं बिजाई की थी तभी से यहीं पर हो? हाँ। क्या पैरा देते हो इसका? हाँ इसका पाइमा के हिसाब से रखते हैं। अच्छा ये देखो भाई, ये इसने टापरी के ऊपर चोटी पर डाल रखे अपना रहने का सिस्टम है रवि। हाँ इसी के अंदर रहता है? हाँ इसी के अंदर रहता है। पूरी ठंड के अंदर भी यहीं पर रहते थे? हाँ। तो जानवर वगैरह से पैरा देते हो इसका? ये यहीं से सब दूर फेरे देते हैं। अच्छा ये ऊपर जंगल आ गया, अब की बार तार लगा दी जंगल वालों ने ना? हाँ ये तार लगा दिया, नहीं तो रास्ता बन जाता था अंदर से है ना। ये इधर से आती थी गाड़ी में। हाँ तो देख लिया अभी किस तरह खेत पड़े हैं पहाड़ का बीच में, 12-13 बीघे 15 बीघे हैं सारे टोटल कराने। कब काटोगे इसको फिर? अभी काटेंगे, वो आ रहा है बंदा, तो अभी 11 बजे का बोला, 11 बजे तक काटेंगे यार। चल दूसरी साइड देख के आते हैं। ठीक है ठीक। अब की बार भाई रास्ते में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब यहाँ से उतारेगी गाड़ी। तो फिर इधर से ये होके तालाब से होके वो काटेंगे जाके खेत, वहाँ पर 15 बीघे करीब है जिस भाई से पहले मिल कर आए थे। क्यों रवि भाई? हाँ भाई ये सूखा है ना तालाब? हाँ सूखा है भाई, खत्म हो गया इसमें पानी, फसल में पानी देने से सारा खत्म हो गया। अच्छा और लीकेज भी है ये तालाब। मेजर ताऊ का डर खुल जाएगा बका। चल भाई परंपरा के अनुसार नारियल वगैरह दो मार दी भाई ने, वो लगा दी धूप बत्ती वहाँ पर, और इनका खेत काट रहे हैं। पिछली बार भी काटा था इनका खेत ना? हाँ सर। तो कैसा निकला पिछली बार गेहूँ? बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। अब की बार हल्के है थोड़ा है ना? हाँ थोड़ा हल्का, पर अब देखो कटने के बाद मालूम पड़ेगा कितने रिजल्ट आता। हाँ अभी देखते हैं भाई, इधर से अपने गाड़ी चालू कर दी। नारियल खा के चल आ गया बढ़िया। अपना भी करें पूजा नहीं हो ये देखो भाई प्राचीन जो अपने बुक्की है गड्ढे बोले कर रहे थे दो बर्तन, टायर जो है लोहा का इसका बिल्कुल, कोई पंचर की कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है ना इसमें, बैरंग है जूड़ा चूड़ पा रखी है बढ़िया तरीके से चलाया ना। दो बर्तन लाए कितने प्राचीन रखे हुए हैं इन्होंने, ये घर परिवार रखने के लिए सारे। ये देखो भाई एरिया, ये सारा वही एरिया है जो दरिया होती है, वो जो है अपन पैड़ बोलते हैं सड़क बोलते हैं, बीड़ी सी है पूरी बीड़ी है वो, वहाँ को ये लोग बढ़ रहे हैं इसके अंदर मच्छी पकड़ रहे हैं। देखो इसका जो पानी इकट्ठा हो जाता है फिर ये अपने खेतों में क्या करते हैं रवि? सिंचाई करते हैं और फिर इसमें मछली के वो जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे उनको ला के छोड़ते हैं और फिर मछली का पालन करते हैं। अच्छा ये पालन भी करते हैं मछली का? ठेका दे रखा है सरकार ने। अच्छा जी मैं सोचा था वैसे ही निकाल रहे हैं। इसका चौकीदार भी रहता है, चौकीदार इसकी ध्यान रखता है। अच्छा फिर ये उसके बदले में सरकार को पैसा देती है। अच्छा चलो भाई इधर ही आया तालाब था बड़ा सरा जो आपको दिखाया, और एक तालाब के पास अपनी गाड़ी चल रही है, चलते हैं वहाँ। भाई कितना बीघा हो जाएगा? 20-25 बीघा आज का? हाँ हो जाएगा आज का 25 बीघा, मतलब अभी इस सीजन का हाईएस्ट होगा आज का। और आज दिन को कितना अपना तीसरा? हाँ तीसरा दिन है अपना, तीसरा दिन है ना। हाँ तो भाई ये 15 बीघे उधर काटे थे वो पहाड़ पे चढ़ के दिखाई दे आपको, और ये भी हो जाएंगे कोई 8-10 बीघे के समथिंग, और इससे नीचे वाला उधर वो उधर चला जाएगा, फिर उधर से आएगा ये यहाँ इधर आ जाएगा नीचे वाला, नीचे वाला देख लेते हैं।
अरे ऊपर वाला हो जाएगा इसके साथ, आज 25 वीडियो हो जाएंगे लसम तम 25, और दिन हो गया तीसरा। तो भाई छुटपट काम, जब काम भी इतना नहीं चला है ना। हाँ काम नहीं चला, दो चार दिन में अच्छा चलेगा, और काम भी अब हार्वेस्टर का बचा हुआ है, अब जो है सारा हार्वेस्टर के साथ कटेगा। हाँ अब दो चार दिन अच्छी चलेगी हार्वेस्टर, मतलब हार्वेस्टर का काम बचा हुआ है बस। जी उतर गया होगा मजदूर होगा तो। हाँ और लोगों का काम भी हो गया मजदूर से जो शुक्ले के लिए कटिंग करी थी। है राहुल भाई। हाँ भाई ये इतने जानवर रहते हैं यहाँ पर। हाँ ये नील गाय देखो फसल को वो कर रही है, खराब कर रही है। हाँ ये इन्हीं की वजह से खराब हो रही है सारी फसल। हाँ, खराब हो रही है, जहाँ से निकलती है वहाँ बिल्कुल गेहूँ को सुला देती है, रास्ता बना देती है जहाँ से निकलती है वहाँ। अच्छा। हाँ खाती नहीं है, नुकसान खाने का नहीं है, उसको खराब कर देती है, गिरा देती है बहुत है भाई। एक एक डार फिर कम तब चप चपी एक एक डार है। हाँ। पूरे को खराब करते हैं, छटते हैं इतना छड़ रखे नीचे को, और फिर डोल बहुत ऊंची हो भाई, छड़ी उठाई भी नहीं जाती है, सारी माटी पत्थर सारे चढ़ जाए अंदर फिर। हाँ इस तरह की पिक्चर हो रहा है अभी अपना, ये 7-8 बीघे करीब हो जाएगा सारा, ऊपर नीचे वाला लगा के ना। हाँ। वो सारा समथिंग। तो अभी गेड़ा लेके आ रही है मशीन, दिखाएंगे आपको। अभी आज का जो काम था अपना लगभग 25 बीघे थे कट गए, और आगे देखा होंगे साइड देखा थोड़ा कट जाएंगे, टाइम बच गया तो, और जाना आना थोड़ा दूर को पड़ जाओ रहा पहाड़ दिखना चक्की मेरा बढ़िया भाई। तो ये खेत काटने के बाद भाई आगे चले हैं, तो आज ही काट के आएंगे, और टाइम थोड़ा कम रह गया तो भाई यहाँ पर जो है दिन में कंबाइन चलती है, रात को 8-9 बजे तक लास्ट है, तो फिर कल काटेंगे उस खेत को। और ये देख सकते हो आप काफ़ी अप डाउन है जो जहाँ को गाड़ी चल रही है अब। तो आज की वीडियो जो अपनी यहीं तक की, आके फिर मिलेंगे नई वीडियो में, और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.